और भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्बलम, यानी भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेशवासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश, भगवान विश्वनाथ का प्रदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला की भूमि, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र संगम की पवित्र भूमि प्रयागराज, तथागत गौतम बुद्ध की पावन भूमि का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऋषि मुनियों, भारत की वैदिक परंपरा से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई को और आधुनिक भारत के निर्माण के रूप में भी अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाला उत्तर प्रदेश आज अपनी स्थापना का यह 74वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड,
या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश सदैव उन घटनाओं का साक्षी रहा है, उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता रहा है। और आज ये हमारा सौभाग्य है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी इसी उत्तर प्रदेश की सबसे, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। और यही नहीं, जब हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, याद करिए देश के प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश बना था। बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा उस समय जो क्रांति का उद्घोष किया गया था, जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के अंदर एक नई तेज के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तो कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, और कहीं प्रदेश का कोई जनपद, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जो देश की आजादी के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने के संकल्प के साथ न जुड़ा हो। आजादी की लड़ाई जिसका गवाह उत्तर प्रदेश का चोरी चोरा की घटना भी है, और लखनऊ का काकोरी का ट्रेन एक्शन की घटना भी है। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अनगिनत बलिदानियों की साक्षी की यह भूमि है। भारत के वैदिक ज्ञान की आधार भूमि सीतापुर का नेमिषारण्य इसी उत्तर प्रदेश में है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस उत्साह और उमंग और नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उसका भाव आधुनिक भारत में दिखता था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन बातों की अनुभूति कराई, और आज उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर के उठ खड़ा हुआ है, आगे बढ़ चला है। और उत्तर प्रदेश की स्थापना का यह दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में अपने सी गौरव और गरिमा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रदेश की अपने राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की नित नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं इस बात को विस्मृत नहीं कर सकता, जब 2017 में प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश कुछ नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ सके। जहां एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, वहीं तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी ने हम सबको इस बात के लिए स्मरण कराया था, और स्मरण कराया था कि सभी राज्य अपनी स्थापना दिवस को अपने दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं करता है। हमने पिछली सरकारों को कई बार कहा, उनकी समझ में नहीं आ पाता है क्या उत्तर प्रदेश कर पाएगा। हमने कहा जब समय आएगा जरूर करेंगे, और पहले ही वर्ष में, क्योंकि मार्च 2017 में सरकार का गठन हो चुका था, तब तक जनवरी माह निकल चुका था, और जब जनवरी 2018 आई, हम लोगों ने इसी स्थल पर यही भव्य पंडाल सजा करके और उस समय के महामहिम राज्यपाल को आमंत्रित किया था, और मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आप अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने अपनी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया था। वह योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो परंपरागत उद्यम को अभी हम आ रहे थे, उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्पी कारीगरी और यहां की प्रतिभा को
हमारे हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने, परंपरागत उद्यमियों ने किस कला और कौशल के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उसकी एग्जीबिशन लगी हुई थी। महामहिम महोदय के साथ हम लोग अभी उसका अवलोकन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश 2017 के पहले माना जाता था, अपराध के गढ़ के रूप में विख्यात था, आज वह उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के हब के रूप में विख्यात हो, उसका एक्सपोर्ट दुगने से अधिक हो जाए, यह एक नए उत्तर प्रदेश की कहानी कहती है। और इस नई कहानी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के इस दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। खासतौर पर कृषि विभाग के द्वारा मिलेट प्रोत्साहन योजना, प्राकृतिक खेती की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का भी लोकार्पण यहां पे लोकार्पण हुआ है। नियोजन विभाग ने एक फैमिली कार्ड हम जारी करना चाहते हैं। कौन परिवार ऐसे हैं जिनको शासन की योजनाएं मिल रही हैं और कौन परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं, जिसको मिल रहा है उसको निरंतरता देना, जिसको नहीं मिल रहा है उसको योजना के साथ जोड़ने के लिए एक मिशन मोड पर उसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये फैमिली कार्ड के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज हम प्रधान यहां पे माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से हमने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए पहले ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब तक हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो, और अगले एक वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। आज यहां पर ओडीओपी की 6 लाभार्थी परक, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की 6 लाभार्थी परक योजनाओं का ऑनलाइन शुभारंभ भी यहां पर हुआ है, और उत्तर प्रदेश नोटरी प्रबंधन प्रणाली का वेबसाइट का भी शुभारंभ आज यहां पर हुआ है। कोई गलत एफिडेविट न देने पाए, कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए, स्टैंप की चोरी भी न होने पाए, इन सभी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सके, ये सभी कार्यक्रम आज जहां है यहां पर उत्तर प्रदेश के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लागू हुए हैं। वहीं हम लोगों ने आज मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कारीगरों और हस्तशिल्पियों को माटी कला तथा खादी ग्रामोद्योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल विभाग के द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड भी 16 कलाकारों को उपलब्ध करवाया गया है, और राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार के रूप में भी 5 हस्तशिल्पियों को ये पुरस्कार आज यहां पर प्रदान किया गया है। मैं इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों को आज यहां पर लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये 3 वर्षों से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। 2021 में सुश्री ज्योति शुक्ला, सुश्री नेहा कश्यप को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, और श्री मोहित यादव,
श्री राहुल सिंह, श्री जनार्दन सिंह यादव को लक्ष्मण पुरस्कार से आज यहां पर सम्मानित किया गया है। 21-22 में सुश्री मनीषा भाटी और श्रीमती तरुणा शर्मा को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद आरिफ और श्री राधे श्याम सिंह को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, ऐसे खिलाड़ियों को भी आज यहां सम्मानित किया गया है। श्री बैडमिंटन में स्वास एलवाई जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमारे जिलाधिकारी हैं, उन्हें श्री विवेक चिकारा, तीरंदाजी में श्री दीपेंद्र सिंह को शूटिंग में यह आज सम्मान यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब को बधाई देता हूं। यहां पर अलग अलग पुरस्कार माटी कला बोर्ड का हो, हस्तशिल्प का हो, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जिन हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को आज सम्मान यहां पर उपलब्ध कराया गया है, उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, पहले दिवस में हमने ओडीओपी की जो स्कीम निकाली थी, अगले 2019 के उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने हस्तशिल्प और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड का भी शुभारंभ किया। तीसरे दिवस के अवसर पर जब 2020 में, जनवरी 2020 में हम लोग यहां पर एकत्र हुए थे, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की घोषणा की थी, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। विगत 2 वर्ष कार्यक्रमों में कोरोना महामारी के कारण थोड़ा बहुत बाधा आई, लेकिन इस वर्ष ढेर सारी नई योजना के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष की जो थीम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस की रखी है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अनंत संभावना वाला उत्तर प्रदेश है। और इस अवसर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनेक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, इस अवसर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को निवेश और रोजगार के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित कर सकें, इस एक थीम के साथ हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और संजोग से उस प्रकार का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सबके सामने आने जा रहा है। हम सब जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव है, पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य महोत्सव के अवसर पर पूरे देशवासियों का आह्वान किया था, और यह आह्वान था पूरे देशवासियों का कि देश जब आजादी के अमृत महोत्सव के बाद शताब्दी महोत्सव की ओर जाएगा, तो आजादी के इन 25 वर्षों के कालखंड को अमृत काल मानते हुए हमें कैसा भारत चाहिए उसके लिए एक संकल्प के साथ जुड़ना होगा। और भाइयों बहनों, कैसा भारत चाहिए इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की बात की। गुलामी को किसी भी स्थिति में स्वीकार न करना, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना, विरासत का सम्मान करना, भारत की अनेकता के लिए और एकता के लिए कार्य करना, और समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को अवसर देना, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिले, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र इसके आधारशिला है। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए ये सुखद संजोग है कि तब देश आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के साथ
उत्साह और उमंग के साथ जुड़ा हुआ है। G20 की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 20 बड़े देश दुनिया की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए जिन योजनाओं को बनाएंगे उसको नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का होगा। और ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि G20 के 11 से अधिक समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं, जिनमें 4 शहरों में एक कार्यक्रम होने हैं और उनमें लखनऊ में भी एक कार्यक्रम आयोजित होना है जो 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। उससे पहले 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिस विकास की यात्रा और जिस विकसित भारत के निर्माण की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसकी आधारशिला रखने और उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सके, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। अब हमारे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए दुनिया और देश के अलग अलग भागों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी सुविधाएं यहां पर आयोजित होंगी। उस अवसर के लिए दुनिया के आने वाले निवेशकों, उद्यमियों के स्वागत के लिए हम सबको तैयार होना होगा। ये भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने जा रहे हैं और इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज यहां पर उत्तर प्रदेश दिवस का एक कार्यक्रम अगले 3 दिनों तक चलेगा। आज हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार से और विभिन्न हस्तशिल्पियों, कारीगरों को यहां पर सम्मानित किया है। कल दिन भर अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे और जब ये देश अपनी आजादी का गणतंत्र दिवस आयोजित कर रहा होगा, संविधान अंगीकार करने के दिवस के रूप में हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस के भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे होंगे। प्रातःकाल परेड के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त होगा तो उसके अपराह्न में कॉमनवेल्थ गेम्स में और नेशनल गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के लिए मेडल जीते हैं उन्हें राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सम्मानित करने का कार्य और उनकी पुरस्कार राशि को वहां प्रदान करने का कार्य भी हम लोग वहां पर करेंगे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जिस अंधकार से निकाल करके आज हम सब आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की जिन ऊंचाइयों की ओर 25 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी मिलकर के कार्य कर रहे हैं, याद रखना जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मत और मजहब के आधार पर विभाजन की इन रेखाओं ने उत्तर प्रदेश की अपूर्णीय क्षति की है। एक ओर इन विकृतियों को सर्वथा समाप्त करके हमें उत्तर प्रदेश को देश के समृद्धतम राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। समृद्धि के सामने के जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने होगी, वह सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो ये विभाजनकारी ताकतें हैं जहां इन्हें बेनकाब करना होगा, भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार करना होगा, वहीं दूसरी ओर सभी लोगों को, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ना होगा। इस संकल्प के साथ आज उत्तर प्रदेश दिवस की मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को, देश और दुनिया में जहां कहीं भी रह रहे हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को,
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को मंत्र दिया है, उसके साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं, माननीय राज्यपाल महोदय और आगंतुक अतिथियों के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें।